आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, चलिए। अरे अरे रुकिए, मैं हेमराज रतन सिंह नहीं हूँ, वो है मोटा भाई। पर पुलिस स्टेशन क्यों चलना होगा? कुछ पूछताछ करनी है, इनके ऊपर दहेज लेने का आरोप है। क्या? क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखिए एफआईआर दर्ज हुई है, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत सा... किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर एफआईआर दर्ज किसने कराई? कोई नंदिनी रतन सिंह है। एक मिनट, आप इन्हें ऐसे लेके नहीं जा सकते, अरेस्ट वारंट है आपके पास। डबल शांत हो जाओ। शांत कैसे हो जाओ मोटा भाई, एक लड़की ने कुछ भी लिखवा दी और आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे? पहले इन्वेस्टिगेशन तो कर लीजिए। सर धवल, हम खाली हाथ नहीं आए हैं, वारंट है हमारे पास। देखिए धवल का कर सर, सर आपको ना जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी सर, नंदिनी बाबूजी के खिलाफ एफआईआर कभी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती का क्या मतलब है? उन्होंने एफआईआर करवाया है, रिटर्न कॉपी है हमारे पास, अगर आपको देखना है तो पुलिस स्टेशन आकर देख सकते हैं, और हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। डबल भाई, एक डबल एडवोकेट त्रिवेदी को बोलो मेरे बिल पेपर्स तैयार करे, मैं अभी इनकी गलतफहमी दूर करके आया। हे भगवान, भाभी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मोटा भाई को मैं जेल नहीं होने दूंगा। डबल निकलो तुम। चल जीगा, चलिए। एक मिनट, सर। अरे हटो ना, हटो भाई हटो, ए हटो, ए ए लड़के हटो, हटो ना, हटो हटो हटो। अरे ये कैसी लड़की पसंद करके ले आया है नरेंद्र, उसकी वजह से मेरे हेमू को पुलिस पकड़ के ले गई। नंदिनी ने सारी हदें पार कर दी, वो बात को यहाँ तक ले आई कि कभी सोचा नहीं था। मैं मानती हूँ तेरे बापूजी से बहुत गलतियां हुई है, लेकिन नंदिनी को भी समझदारी से काम लेना चाहिए था, और हम सब साथ दे रहे थे उसका। इतनी क्या जल्दी थी अपने ससुर जी को जेल पहुँचाने की? माँ माँ जरूर कोई गलत फहमी हुई है, नंदिनी इस हद तक कभी नहीं जाएगी। तेरे बापूजी को पुलिस तेरे सामने पकड़ कर ले गई, और अब भी तुम कह रही हो कि नंदिनी गलत नहीं है? माँ नंदिनी बाबूजी के खिलाफ नहीं है, नंदिनी खिलाफ है दहेज के, और ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, आपको ही बताई थी, बाबूजी को ही बताई थी। मैं देख के आता हूँ। कंप्लेन नरेंद्र जी, ये सरासर गलत है। मैं बापूजी से सिर्फ अपना दहेज वापस लेना चाहती हूँ, उन्हें जेल भिजवाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती, इसीलिए तो मैं समाज भवन गई थी। मैं जानता हूँ नंदिनी, घर पे सारे लोग इसी बात को लेके स्ट्रेस है कि आखिर नंदिनी ऐसा कर भी कैसे सकती है। इनफैक्ट मैंने उन सबको समझाने की कोशिश भी की, लेकिन घर पे पुलिस आई, पर पुलिस ने बोला कि सर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो नंदिनी ने ही करवाई है। अब मैं क्या करूँ? नीम जी, ये किसी की साजिश है बाबूजी को जेल भिजवाने की, और कोई मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा है। इतनी गंदी साजिश बाबूजी के खिलाफ कौन कर सकता है? घर के सारे लोग परेशान हैं, माँ कितने गुस्से में, और इस साजिश का जिम्मेदार वो तुम्हें ठहरा रही है। अच्छा नंदिनी सुनो, लेट्स गो टू पुलिस स्टेशन, मैंने अपने वहां लॉयर्स को भी बुला लिया। नरेंद्र जी, मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले माँ के पास जाना चाहिए। मैं जानती हूँ माँ को इस बात की तकलीफ हो रही होगी कि बापूजी जेल गए, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ उन्हें इस बात की हो रही होगी कि वो ये सोच रही होंगी कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। उनकी गलत फहमी हमें दूर करनी होगी, उनकी तकलीफ हमें दूर करनी होगी। माँ बहुत गुस्से में, अभी बहुत गुस्से में,
तुम्हें क्या लगता है कि माँ के गुस्से का सामना करना भी ठीक रहेगा? वो माँ है हमारी। माँ भले ही कितने गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन उनके गुस्से में, उनकी नफरत में भी उनका प्यार छिपा होता है। वो समझेंगी हमारी बात को। विशाखा, तू प्लीज मामा का ध्यान रखना, इनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है। तू टेंशन मत ले, मैं हूँ यहाँ। जा, चले। चल। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है मोटा भाई, मैंने सोचा भी नहीं था कि आपको इस हालात में देखना पड़े। सोचा तो मैंने भी नहीं था धवल, एक बार मुझे बाहर आने को, तो लड़की और उसके परिवार को पूरी जिंदगी में जेल में नहीं सड़ाया तो मेरा नाम हेमराज रतन सिंह नहीं। त्रिवेदी, जल्द से जल्द मुझे बाहर निकलवाने का बंदोबस्त करो। आप फिक्र मत कीजिए हेमराज भाई, मैंने इनसे FIR की कॉपी मांगी। ये लीजिए FIR कॉपी, साथ में कंप्लेंट करने वाले का लेटर भी है। हेमराज भाई, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग धाराएं हैं। अब तो कोर्ट भी बंद हो चुका है, जो भी होगा सुबह ही होगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से। आप चलिए। और समाज प्रमुख आप हैं, तो मेरी फरियाद भी आप ही के खिलाफ है। ये क्या बोल रही हो तुम नंदिनी बेटा? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे ससुर श्री हेमराज रतन सिंह, उनके खिलाफ जो मैंने फरियाद की थी, इसका फायदा उठाकर हमारे समाज के प्रमुख ने एक साजिश की मेरे ससुर जी को जेल भिजवाने की, और इस सब में इन्होंने मुझे मोहरा बनाया। ये झूठा इल्जाम है। अच्छा, इस झूठ को सच साबित करने के लिए मेरे पास सबूत है। ये देखिए सर, इन्वेस्टिगेशन तो बहुत अच्छी की है तुमने, पर ये कैसे साबित कर पाओगी कि ये सब किया कराया मेरा है? प्रमुख जी, आपने अभी अभी मेरी इन्वेस्टिगेशन की इतनी तारीफ की, अब थोड़े सबूत भी तो देख लीजिए जो मैंने इतनी मेहनत से जुटाए। इंस्पेक्टर साहब आइए। ये लड़की वंदना, इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सुजान भाई ने नंदिनी को धोखा देकर समाज के लिए कंप्लेंट लिखाकर और इसके हाथों वही कंप्लेंट लेटर पुलिस स्टेशन भेज दिया, और इसने अपना नाम वंदना की जगह नंदिनी बताया, जिसे हम हेमराज जी को गिरफ्तार कर सकें, जिसके लिए आपने इसे अच्छी खासी रकम दी। और कुछ बताएंगे आप कि हम आपको लेकर चलें? हल्दार ले चलो। बाबूजी, नरेंद्र कुमार, हमारे लिए इस खेत से मूल्यवान आप हैं। नरेंद्र कुमार, हमने कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे तब जाके हमें आप जैसा दामाद मिला। आपने आखिरी वक्त हमारे नंदू का साथ नहीं छोड़ा। हमारे
बाकी सब के कि आप प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि मेरे बापूजी से गलतियां हुई हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए वो गलत इंसान नहीं है। रीन जी, इस वक्त आपको अपने बापूजी के पास होना चाहिए। मैं मामा के साथ उपलेटा जा रही हूँ अभी। लेकिन नंदिनी, रीन जी, मेरे कुछ काम अधूरे रह गए और मेरी ये लड़ाई अब तक पूरी नहीं हुई है। आप जाइए, मैं आती हूँ। क्या हुआ समाज भवन में? वही जो नंदिनी चाहती थी, मोटा भाई को नीचा दिखा दिया और अपना दहेज वापस ले लिया। पूरे समाज के सामने मोटा भाई का सर झुका दिया उसने। नंदिनी ने यह अच्छा नहीं किया। मोटा बापू कुछ बोल ही नहीं पाए। समाज में तो नाक कटी ही कटी, साथ ही साथ पूरे राजकोट में भी। नंदिनी ने पुलिस केस करके हेमराज रतन, नंदिनी ने कुछ नहीं किया है। क्या? ये सब सुजान ने करवाया है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.